डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। क्वेश्चन इज अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो जो हमें ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड गिवन है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में है जिसकी साइड ए है। फाइंड द एरिया ऑफ द बोर्ड यूजिंग हीरोंस फार्मूला इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर। जो बोर्ड है उसका पैरामीटर हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर। ट्रायंगल क्या होगा? द सम ऑफ ऑल द साइड दैट इज इनटू ए और हमें पैरामीटर गिवन है 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम ए कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ए आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो हर साइड हो जाएगी हमारी 60 सेंटीमीटर की, ठीक। अब एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया क्या होगा? तो यूजिंग हीरोस फार्मूला करना है, तो हीरोस फार्मूला के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल डिवाइडेड, ठीक है। और एस क्या होता है? एस इज द सेमी पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर का आधा, ठीक। और पैरामीटर हमें गिवन है 180, तो इसका आधा हो जाएगा 90। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखिए एरिया आएगा, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 90 इंटू 90 माइनस 60, क्योंकि ए हमने कंप्यूट किया है 60 और तीनों साइड जो इक्वल सेम है, तो 90 माइनस 60 आएगा 3 टाइम्स, ठीक है। और 90 माइनस 60 कितना होगा? 30। तो ये आएगा यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, ठीक। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 9, इसको लिख सकते हैं 9 को हम 3 इंटू 3, तो 3 कितनी बार है? ये 5 टाइम्स है, क्योंकि दो बार इधर आ जाएगा, 3 ये है और 1 1 1 1, तो 10 हो जाएगा ये हमारा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4, ठीक। तो इसको हम जब स्क्वायर रूट के बाहर लेंगे तो देखिए ये आएगा 3 की पावर 4, तो स्क्वायर रूट के बाहर हो जाएगा 3 स्क्वायर, 10 की पावर 4, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 10 स्क्वायर और स्क्वायर रूट में रह जाएगा 1 3, क्योंकि हमने 3 की पावर 4 को यूज़ किया था, 1 3 रिमेनिंग था, ठीक। 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो गया 900 रूट 3 और यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, तो एरिया इज इक्वल टू हो गया 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमें फाइंड करना था, द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल।